यात्रा में हम गंगा नदी में निकल चुके हैं पटना से और बख्तियारपुर पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ कुछ दियारा के लोग हैं जो कि गंगा के बीच में जो दियारा क्षेत्र होता है वहां पे रहते हैं और उनकी क्या परेशानी है ये जानने की कोशिश करते हैं। बीत गए 5 साल समैया था याद ना सताई नेताजी, बीत गए 5 साल समैया ना याद हमरा आई राजा जी, तहरा बजर परे चरे सरल खीरा मेहरारू से पिटाए नेताजी, तहरा बजर परे खाए सरल खीरा मेहरारू से पिटाए नेताजी। चरा क्षेत्र में आप लोग रहते हैं, क्या दिक्कत आती है? बहुत दिक्कत होती है। हम लोग क्या दिक्कत होती है? हम लोग को जाने का साधन यही एक नाव बचा हुआ है। हवा में बहुत दिक्कत होती है, गैर चलता है तो नाव डुलता है, आदमी लोग हदियाते हैं, डरते हैं, खतरा होता है। ये बख्तियारपुर के पास भी एक पुल बन रहा है, उससे कुछ फायदा है? उससे भी कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अच्छा। वो पुल से कोई फायदा नहीं है। ये हम कह रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, आप लोग क्या चाहते हैं कि क्या आप लोग का मुद्दा रहेगा, क्या जो आप लोग प्रतिनिधि चुनते हैं उसको किस आधार पर चुनिएगा? हम लोग के यहाँ बिजली है, न कोई सड़क है, न जाने का साधन, आप देख ही रहे हैं। बिजली अभी तक है भी नहीं, आगे लगता है होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई अच्छा ऐसा नेता नहीं है जो कर्मठ हो और उम्मीदवार हो जो हमारे गांव के विकास के लिए कुछ काम करे। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो यही बख्तियारपुर के ही हैं, उनका घर यहाँ चिड़ैया में पुल अथी था, नीतीश लेकर भाग गया हुआ बोला, नीतीश पार्टी अस्मर बोला लेकर भाग रहे थे बख्तियार। सुरक्षा का कोई साधन नहीं होता है, कोई लाइफ जैकेट कुछ भी नहीं है। कुछ लोग तैरना जरूर जानते हैं लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत महिलाएं और बच्चों को होती है। अब हम बख्तियारपुर पहुंचने वाले हैं। बख्तियारपुर वो जगह है जहां नीतीश कुमार का घर है। ए, बड़ा अरमान से हम तोहरा के जीताई, गदहा के सिंह तन लेला तू विदाई, 5 साल लूटी लूटी ए 5 साल सूटी लूटी जाना ताके कैला खूब कमाई नेताजी, 5 साल जाना ताके लूटी लूटी कैला खूब कमाई नेताजी, आ तहरा बजर पर खाए सरल खीरा मेहरारू से पिटाई नेताजी। हम आ पहुंचे हैं बख्तियारपुर सीढ़ी घाट। बख्तियारपुर वो जगह है जहां नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म हुआ है और उनका घर भी यही पास में है, कुछ ही कदमों की दूरी पे। हम सीढ़ी घाट पे हैं और गंगा आप देख सकते हैं यहां पर गंगा की धारा किस तरह से बह रही है। यहां हमारे साथ बख्तियारपुर के लोग हैं जो कि बताएंगे, क्योंकि चूंकि मुख्यमंत्री का घर है तो मुद्दे भी उसी तरह के होने चाहिए। वही जगह है जहां नीतीश कुमार का घर कुछ ही दूरों पर है और ठीक सीढ़ी घाट उनके घर के सामने एक रोड गई है जहां सीढ़ी घाट अवस्थित है, जहां गंगा स्नान के दिनों में वो बचपन में आया करते थे। शायद वह इस चीज को भूल गए हैं कि बख्तियारपुर की जनता आज आपसे कितनी उम्मीदें बांधी हुई थी, उसका एक भी अनुकरण आपने बख्तियारपुर को जनता को नहीं दिया। ऐसा कुछ नहीं किया है यहाँ मुख्यमंत्री का रहते हुए, गृह क्षेत्र यहाँ है बाकी फिर भी ऐसा कोई काम नहीं, एक शौचालय तक नहीं बना तो काम क्या। आज मतलब ये उन्होंने रेल मंत्री भी रह गए, चीफ मिनिस्टर भी रह गए, लेकिन आज देखे जो बिहार की स्थिति 1947 से आज जो कहते हो स्थिति बनी है, उन्हें कोई भी विकास नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं कि बिहार बढ़ता हुआ। दावे हो रहे हैं, लोग बताते भी हैं कि यहाँ क्यों विकास नहीं हुआ, यहाँ कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। आप स्टेशन से उतर जाइए और बख्तियारपुर थाना तक आ जाइए, नाला इतना पानी अगर हो जाता है अभी तो इतना जमाव है कि महिलाएं पैर घुटने से ऊपर कर चलती हैं। महिलाओं का भी सुरक्षा का ख्याल नहीं रखा गया, एक शौचालय नहीं है। नीतीश जी एक विकास किए हैं बिहार में जो कि दारू का दुकान रोड चौराहा पर खुलवाए हैं, और नीतीश जी का घर है NH-30, बारिश भी पड़ जाता है तो हम लोग को जाना मुश्किल हो जाता है। सर 10 साल तो मुख्यमंत्री रहे, इससे पहले 6 टर्म MP रहे, उस दौरान तो बख्तियारपुर का विकास ही नहीं हुआ, तो 10 साल में क्या होगा। बख्तियारपुर का दुर्भाग्य कहिए
कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते हुए आज तक कुछ हुआ नहीं और न जाने कब होगा। भले कुछ आलोचक भी हैं लेकिन कुछ प्रशंसक भी हैं, लेकिन यहाँ कोई प्रशंसक मुझे मिला नहीं है। बख्तियारपुर जो कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह स्थान है, यहाँ इनका घर है बख्तियारपुर से, लेकिन पिछले चुनाव में आरजेडी ने बाजी मारी थी, विधायक आरजेडी के हैं, उनका क्या हालचाल है हम अब जानना है, बताइए। आरजेडी विधायक का सर यहाँ बहुत बुरा हाल है, अबर जो है 1% भी वोट यहाँ नहीं पड़ेगा आरजेडी का, और गठबंधन में इसी वजह से कोई वोट अभी यहाँ बख्तियारपुर विधानसभा का नया मोड़ लेगा। विकास के नाम से इतना त्राह त्राह कर चुका है यहाँ के नेता, वर्तमान एमएलए और पूर्व एमएलए इतना भ्रष्ट है कि अपना भैठा हाइबा 12 तरह के कारोबार करता है और घटिया से घटिया कार्य करता है, अब विकास का नाम एक भी काम नहीं करता है। इसलिए हम बख्तियारपुर के सारा जनता निर्णय किए हैं, किसी भी दल को वोट न करके हम एक अपना कैंडिडेट तैयार कर रहे हैं, निर्दलीय उम्मीदवार। वादा कहला तोहरो हम मिटाइब गरीबी, भले करोड़पति तोहर सास ससुर बीबी, एतनो पर वोट मांगे ए ए, एतनो पर वोट मांगे अइला त हद तोर ढिठाई राजा जी, एतनो पर वोट मांगे अइला त हद तोर ढिठाई नेताजी, आ तहरा बजर पर खाए सरल कीरा मरारू से पिटाए नेताजी। तो आखिर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करने की बात कर रहे हैं आप लोग, ये कहां तक इसका सॉल्यूशन है, क्या ये समाधान है क्या? जैसे सर दोनों अगर सिटिंग वही विधायक आएंगे तो कुछ न कुछ अल्टरनेट तो पब्लिक सोचेगी ही ना, कि दोनों अगर नाकार चुका है पब्लिक तो तीसरा तो किसी को चुनेगा ही, और वो निर्दलीय हो या कोई छोटी क्षेत्रीय पार्टी से हो, जो अच्छा कैंडिडेट मिलेंगे उन्हीं को चुनेगा। अभी के चुनाव में दो चेहरे हैं, एक गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार हैं और एक तरफ एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी हैं, आप किस पर भरोसा करते हैं बताइए। नरेंद्र मोदी की छवि बहुत ही अच्छी है, सभी लोगों में पूरा प्रभाव है नरेंद्र मोदी का, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो आम जनता है उसको आम समस्या सबसे ज़्यादा नज़र आती है। वैसे तो पार्टी बेसिस है, बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसको लोग चाहते हैं, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता। यहाँ कैंडिडेट अगर अच्छा बीजेपी देता है, जो कैंडिडेट जो दिया है भविष्य में वो बहुत ही बेकार। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में, और प्याज की कीमत हम देख रहे हैं, दाल की कीमत देख रहे हैं। यहाँ पे ये नीतीश कुमार का घर है और नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ हैं, आप ये बताइए कि महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार है? नरेंद्र मोदी को मानते हैं कि अच्छे दिन लाने का संकेत दिए थे, बहुत ही अच्छा दिन आ गया, अब इससे अच्छा दिन तो आने वाला है नहीं, खुद नरेंद्र मोदी समझे इस पर। प्राइस लेकिन कंट्रोल में है, बहुत हद तक कंट्रोल में है। हाँ, कंट्रोल में है, कंट्रोल में है। इसके लिए जो मौजूदा सरकार है वो दोषी है, जो भी हो सरकार, दोनों मौजूदा सरकार है, दोनों सरकार दोषी है इसमें, आप बताइए। इसमें सरकार सबसे ज्यादा जो राज्य की सरकारें हैं वो ज्यादा दोषी है, केंद्र की इसमें कोई समस्या नहीं है। राज्य में आप अपना व्यवस्था ठीक ठाक करें उसके लिए राज्य, सभी चीजों के लिए केंद्र ही नहीं आएगा, राज्य ही, राज्य को हम सबसे बड़ा जिम्मेवार समझते हैं। 18 बरस की युवक युवतियाँ जिस पे छाई जवानी, हाँ हाँ जिस पे छाई जवानी, राष्ट्रपति या बिल गेट्स चाहे मुकेश अंबानी, चाहे मुकेश अंबानी, 18 बरस की युवक युवतियाँ जिस पे छाई जवानी, राष्ट्रपति या बिल गेट्स चाहे मुकेश अंबानी, एक वोट का हक है सबको, एक वोट का हक है सबको, एक वोट का हक है सबको, मत लेकर इसे नोट करो, चलो वोट करो, ओ चलो वोट करो, ओ चलो वोट करो, चलो वोट करो। लेकिन बख्तियारपुर के लोग जो कि सभी पार्टियों से निराश हो चुके हैं, वो किसको वोट देंगे और वोट देने के प्रति उनका क्या नजरिया है? वोट उसी को देना चाहिए जो हमारे बीच अच्छा काम करे, हमारे समाज के देखभाल करे, अच्छा काम करे। जो पैकेज दिया है केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने कहा कि वो पैकेज नहीं रीपैकेजिंग है, इससे आप लोग कहाँ तक सहमत हैं? नरेंद्र मोदी जी जो दिए हैं पैकेज बहुत ही अच्छा, हम लोग बहुत ही खुश हैं उससे,
भले ही नीतीश जी उसकी बुराई करते रहे, वो तो उनको विरोधी हैं, वो तो बुराई किए, जो अपने घर में कुछ नहीं कर पाया नरेंद्र मोदी वहां से आके बिहार को सब चीज दिए, गंगा में पुल दिए। नीतीश कुमार सिर्फ एक थोथी दलील दे रहे हैं, केंद्र सरकार से लोग आशा वांछित है, समय के मुताबिक जहां तक हो रहा है वह हम लोग उनसे अपेक्षित हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में बदलाव आएगा। लोकतंत्र का पर्व है आया, अरे लोकतंत्र का पर्व है आया, सब मिलो सब ये नोट करो, चलो वोट करो, ओ चलो वोट करो, ओ चलो वोट करो, ओ चलो वोट करो। आश्चर्यजनक पहलू है और सोचने वाली बात भी है कि घर यहाँ बख्तियारपुर में नीतीश कुमार का है, लेकिन उम्मीद यहाँ के लोगों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। तो ये था यहाँ वोट यात्रा बख्तियारपुर में, आगे हम मिलेंगे फिर बाढ़ में।